अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट का लेक्चर नंबर 6। और आज का हमारा टॉपिक है रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास किसी भी एटम का वो मास होता है जिसको किसी दूसरे एटम के मास से कंपेयर करके या रिलेट करके कैलकुलेट किया जाता है, उसको हम रिलेटिव एटॉमिक मास का नेम देते हैं। इस मास को हम किसी स्टैंडर्ड एटम के मास के साथ रिलेट करके कैलकुलेट करते हैं, इसलिए हम इसको रिलेटिव एटॉमिक मास का नेम देते हैं। कोई भी जो एटम होता है, एटम जो है वो बहुत ही स्मॉल पार्टिकल होता है, इसलिए उस एटम का डायरेक्टली वेट करना जो है वो इम्पॉसिबल है, क्योंकि एटम बहुत ही स्मॉल है, इसलिए एटम का वेट डायरेक्टली कैलकुलेट करना इम्पॉसिबल होता है। इसलिए इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए, इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम लॉट ऑफ एटम्स का वेट या मास कैलकुलेट करते हैं, फिर उस लॉट ऑफ एटम के मास को हम कंपेयर करते हैं किसी स्टैंडर्ड एटम के मास के साथ। और साइंटिस्ट जो स्टैंडर्ड एटम यहाँ पे चूज करते हैं वो होता है कार्बन 12। कार्बन 12 जो है वो कार्बन का एक आइसोटोप है। कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। लेकिन इन तीनों में से सिर्फ कार्बन 12 की जो है वो सिलेक्शन की जाती है। और कार्बन 12 की को इसलिए सिलेक्ट किया जाता है क्योंकि कार्बन 12 की जो रिलेटिव अबंडेंस है वो अप्रोक्सीमेटली 99% है, इसलिए कार्बन 12 को जो है वो सिलेक्ट किया जाता है। और कार्बन 12 का जो मास होता है वो एग्जैक्ट 12 यूनिट्स होता है। और बाकी जो एटम्स होते हैं, बाकी एटम के एटॉमिक मासेस को कार्बन 12 के मास के साथ कंपेयर करके कैलकुलेट कर लिया जाता है, जिसको हम रिलेटिव एटॉमिक मास का नेम देते हैं, क्योंकि इसको हमने कार्बन 12 के मास के साथ रिलेट किया है, इसलिए हम इसको रिलेटिव एटॉमिक मास का नेम देते हैं। और इसका सिंबल होता है AR, इसको हम AR से रिप्रेजेंट करते हैं। दी मास ऑफ अ सिंगल एटम इज सो स्मॉल दैट इट इज इम्पॉसिबल टू वे इट डायरेक्टली। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम वी हैव टू वे अ लॉट ऑफ एटम्स। वी देन कंपेयर दिस मास विद द मास ऑफ द सेम नंबर ऑफ स्टैंडर्ड एटम्स। साइंटिस्ट हैव चूजन टू यूज द आइसोटोप ऑफ कार्बन 12 एज द स्टैंडर्ड। दिस हैज बीन गिवन अ मास ऑफ एग्जैक्टली 12 यूनिट्स। द मास ऑफ अदर एटम्स इज फाउंड बाय कंपेयरिंग देयर मास with the mass of carbon 12 atoms. This is called relative atomic mass. और relative atomic mass को हम AR से represent करते हैं। Relative atomic mass की जो proper definition है वो भी आपकी book में given है। Relative atomic mass is the mass of an atom of an element as compared to the mass of an atom of carbon taken as 12. यानी वो mass किसी भी element के atom का वो mass जिसको हम carbon 12 एटम के मास से कंपेयर करके कैलकुलेट करेंगे, उसको हम रिलेटिव एटॉमिक मास का नेम देते हैं। और रिलेटिव एटॉमिक मास के लिए हम यूनिट यूज करते हैं, वो होता है AMU। AMU मीन एटॉमिक मास यूनिट, या फिर यू भी यूज करते हैं, यू मीन यूनिफाइड। और 1 AMU इक्वल होता है, 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12। उसके बाद है कार्बन 12 स्केल। कार्बन 12 जो है एक स्केल है, और कार्बन 12 स्केल के ऊपर कार्बन का जो रिलेटिव एटॉमिक मास होता है, यानी AR, कार्बन का जो AR मीन रिलेटिव एटॉमिक मास होता है कार्बन 12 स्केल के ऊपर, वो होता है 12.0000 AMU। उसके बाद जो रिलेटिव एटॉमिक मास हाइड्रोजन का है कार्बन 12 स्केल के ऊपर, जो हाइड्रोजन का जो रिलेटिव एटॉमिक मास है वो है 1.008 AMU। और इसके अलावा आपकी बुक में एक टेबल गिवन है, टेबल 1.1। उस टेबल में फ्यू एलिमेंट्स हैं, उन फ्यू एलिमेंट्स के रिलेटिव एटॉमिक मासेस गिवन है, और उन फ्यू एलिमेंट्स के रिलेटिव एटॉमिक मासेस आपने याद करने हैं टेबल 1.1 में से।